मारुति सियाज 2024 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इस गाड़ी का टॉप मॉडल मात्र 11 लाख और 20 हजार रुपए कॉस्ट करता है। माना ये सेगमेंट अंडररेटेड है, ये गाड़ी अंडररेटेड है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, रिलायबल गाड़ी चाहिए, सेडान के आप फैन बॉय हैं, तो आज भी आप इस गाड़ी को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। आप सियाज के बारे में सोचें ना सोचें, गाड़ी लेनी हो ना लेनी हो, एक बार आप ये वीडियो को थोड़ा देखना जरूर एंड तक, आपको समझ में आएगा कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको कितना कुछ यहाँ पर मारुति ऑफर करता है। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीजें आउटडेटेड हैं। सामने की ग्रिल, छोटा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिर्फ दो ही एयरबैग, लेकिन जब आप बाकी प्रैक्टिकल कंफर्ट कन्वीनियंस, जिस हिसाब से इंजन रिस्पॉन्स करता है, फोर स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ों को जब आप कंक्लूड करते हैं, गाड़ी के डायमेंशन, उसकी सीटिंग, आपको जितना स्पेस मिलता है, जितना प्रैक्टिकल बूट स्पेस है, आपको लगेगा कि यार आज की डेट में गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं और सामान और चीज़ें कम। पहले गाड़ियां सस्ती थी और कंफर्ट, प्रीमियमनेस और वो सारी चीजें ज्यादा। ये गाड़ी उस चीज को थोड़ा सा आज भी दर्शाती है। फिलहाल जो आप सियाज देख रहे हैं, ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है टॉप मॉडल अल्फा के साथ, और इसके लिए आपको 1,10,000 रुपए ऊपर देने होते हैं। 11,20 जो एक शोरूम प्राइस है वो इसके मैनुअल ट्रांसमिशन का है, और यहाँ पर अगर आप फोर स्पीड ऑटोमेटिक के लिए जाते हैं तो 12,30,000 रुपए इस गाड़ी का एक शोरूम है। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट्स हैं, कंपनी की ओर से स्कीम्स हैं, तो वो सारी चीजें आप किसी भी अपने नियरेस्ट डीलरशिप से जाकर कन्फर्म कर लेना। मैं वैसे नीचे आपको नंबर भी दे दूंगा। अब देखिए क्या कुछ मिलता है, हम उसकी बात करेंगे। गाड़ी के डायमेंशन, इसकी प्रैक्टिकलिटी, हम थोड़ा उस चीज की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, तो जैसे ही आप फ्रंट में आएंगे तो यहां पर आपको प्रोजेक्टर बेस एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहां जो नीचे आप देख रहे हैं, ये एलईडी में डीआरएल्स है, एलईडी में ही फॉग लैंप्स आपको मिलते हैं, और साइड जो है वो प्रॉपर क्रोम की सराउंडिंग्स के साथ आपको मिलती है। सेम चीज, एक थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश आपको इसकी ग्रिल के ऊपर दिखाई देगी। ऊपर जो है वो क्रोम का इस्तेमाल है, नीचे जो है वहां क्रोम का इस्तेमाल है, सुजुकी का लोगो आपको दिखेगा, और नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो ब्लैक कलर के जो ग्रिल्स हैं वो आपको सामने यहां पर दिख जाएंगे। जिस हिसाब से इस गाड़ी का फ्रंट फेशिया है, जैसी इसकी शेप है, वो आज की गाड़ियों के हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड लगती है, लेकिन आज भी गाड़ी बहुत ज्यादा सुंदर अपील जो है वो अपना डेफिनेटली देती है। साइड से अगर आप सियाज को देखते हैं तो यहां से आपको गाड़ी की इस ओवरऑल लेंथ का, इसके डायमेंशन का, इसकी प्रेजेंस का आइडिया लगता है। सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या लगी, जो इसकी क्रीजेस हैं, आगे फेंडर से शुरू होती हैं, पीछे तक आपको दिखाई देगी, और एकदम शार्प एजी जो इसके डिजाइन है वो यहां से क्लियरली पता लगते हैं, और यही रीजन है कि सियाज अपना एक बहुत ही क्लासी सा अपीयरेंस जो है वो प्रूव करवाती है। 16 इंचेस प्रिसीजन कट मल्टी स्पोक अलॉय व्हील आपको मिलते हैं, आगे जो है वो आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं जो आपको ऑफर की जाती हैं, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि आपको सियाज के साथ मिलता है, और इस गाड़ी का व्हील बेस है 2650 mm का, यानी आपको भरपूर जगह जो है वो कैबिन में यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाली है। स्पेस मैनेजमेंट कमाल का है, बूट स्पेस 510 liter का मिलता है। ORVMs की बात करते हैं, बॉडी कलर है, प्लस इसी के ऊपर आपको इस तरीके से टर्न इंडिकेटर्स दिखेंगे, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड कर सकते हैं। विंडो के नीचे की बेल्ट लाइन, ये जो बेल्ट लाइन आप सामने देख रहे हैं, प्रॉपर क्रोम आपको यहां पर दिखाई देगी, क्रोम फिनिश के साथ ही आपको डोर हैंडल्स जो है वो यहां पर दिखते हैं, प्लस यहां पर आपको कीलेस एंट्री के लिए, पैसिव एंट्री के लिए इस तरीके से रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो यहां पर दिखेंगे, और बी पिलर के ऊपर ब्लैक सैश टेप जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब आप एक बार रेयर में आइए, पीछे से अगर आप सियाज को देखते हैं तो ये है सियाज की ओवरऑल रेयर प्रोफाइल। देखिए कुछ भी यहाँ पर आपको एलईडी में नहीं दिया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी आउटडेटेड लगती हैं, अपडेट नहीं किया उस हिसाब से, लेकिन जब आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस गाड़ी को देखते हैं तो आपको लगता है यार वाकई वर्थ है। देखिए सबसे पहली चीज, टेल लैंप सुंदर दिखते हैं, और यहाँ ऊपर हाइलोजन में ही नॉर्मल बल्ब दिया गया स्टॉप लैंप के तौर पर, टर्न इंडिकेटर अभी आप देख रहे हैं, रिवर्स लैंप है, नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, उसके सराउंडिंग में भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। 4 points आपको पार्किंग सेंसर्स के यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, ऊपर सियाज की ब्रांडिंग जो है वो आपको मिलेगी, सुजुकी का लोगो, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम आता है, इसी वजह से गाड़ी बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी देती है, एटी के साथ यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी ऑलमोस्ट 21 के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी जो है शायद वो क्लेम्ड है। क्रोम का थोड़ा सा यहाँ पर आपको हाईलाइट दिखेगी,
पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिलेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये नॉन डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आता है, मतलब स्टीयरिंग घुमाने पर वो लाइंस मूव नहीं करती, फिक्स रहती है अपनी जगह पर। फिलहाल बूट अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ऊपर जो है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टॉप लैंप देखने के लिए मिलता है, एलईडी में है, डिफॉगर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये चाबी है, चाबी वो पुराना नेक्सा वाली जो चाबी जो पलिनो आई थी नई नई, उसके साथ भी कुछ इसी टाइप की चाबी आपको देखने के लिए मिलती थी। लॉक कर सकते हैं आप गाड़ी को, अनलॉक कर सकते हैं, और ये जो लास्ट वाली की अगर आप इसे होल्ड करेंगे इस तरीके से तो बूट आपका पूरी तरीके से पॉपअप होकर खुल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप चेकआउट करें तो सबसे पहली चीज तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये डिजायर की तरह आपको पूरी तरीके से मेटल्स विजिबल नहीं होते हैं, चीजों को मैनेज किया गया है, उसे कवर अप किया गया, जो कि काफी अच्छी चीज है। अंदर भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम चीज जो है वो प्रॉपर कवर्ड ही मिलेगी। यहाँ पर नीचे इस तरीके से आपको बूट में लैंप देखने के लिए मिलता है, नीचे है स्पेयर व्हील, और मारुति की जितनी आज की डेट में आप गाड़ियां देखते हैं उनसे ज्यादा सुंदर तरीके से टूल किट वगैरह को आप यहाँ पर मैनेज करने की आपको प्रॉपर जगह मिलती है। स्पेयर व्हील जो है वो नॉर्मल स्टील व्हील है और अंडर साइज है, ये 185/65 R15 आएगा, जो कि इसके बेस वेरिएंट में आता है, और सियाज का बेस वेरिएंट लगभग 9,40,000 या 9,50,000 रुपए आसपास जो है वो कॉस्ट करता है। अब इस साइड से आप एक बार गाड़ी की प्रोफाइल ओवरऑल चेक करिए, यहां से भी अगर आप देखेंगे तो सियाज आपको डेफिनेटली एक अच्छा फील, जो गुड फैक्टर है ना, वो डेफिनेटली देती है। ये डिजाइन जिस तरीके के मारुति रखता है ना, ये एवरग्रीन डिजाइन है। देखो कितना टाइम हो गया सियाज के फेसलिफ्ट को, मारुति की इसके ऊपर पैसा नहीं लगा रही, उसे पता है सियाज सेगमेंट जो है वो आजकल दबा हुआ है सेडान, तो वो इतना ज्यादा खर्च नहीं कर रही, वो भी एसयूवीज के ऊपर ही फोकस कर रही है। लेकिन कैबिन में आइए, और कैबिन में ब्लैक बीज और ये जो वुडन फिनिश आप यहाँ पर देखते हैं ना, सेंटर कंसोल पर, डोर्स पर, सामने डैशबोर्ड के ऊपर, ये बहुत अल्टीमेट और बहुत अलग तरीके का लुक जो है ना वो आपको नो डाउट यहाँ पर ऑफर करती है। डोर्स की बात करते हैं, ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, बीच में थोड़ा सा ये है, सब ये फेक मतलब प्लास्टिक है, फेक वुडन फिनिश है, लेकिन फिनिश पूरी एकदम वुडन जैसी लगती है तो देखने में अच्छा लगता है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सॉफ्ट टच के साथ है, क्रोम फिनिश आपको डोर लीवर्स पर मिलेगी, ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड कर सकते हैं, सेफ्टी लॉक आएगा, ड्राइवर साइड वाली विंडो ऑटो आएगी वन टच में अप एंड डाउन विद एंटी पिंच, लॉक अनलॉक मैनुअली आप कर सकते हैं, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप आता है, ये छोटा सा म्यूजिक सिस्टम है आपके पास यहाँ पर जिसकी अभी हम बात करेंगे, 7 इंचेस का टच स्क्रीन इनफोटेन सिस्टम पे लाभ आपको मिलता है, और डोर पॉकेट जो है वो काफी प्रैक्टिकल है, 1 लीटर की अच्छी बॉटल आपकी यहां पर आ जाएगी और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा साइड में स्पेस आपको जो है वो मिलेगा। सीट्स लेदर रेटेड आती हैं, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, और इसकी क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी है, उससे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ड्राइवर साइड के लिए हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको मैनुअली यहां पर मिलता है, प्रॉपर डेड पैडल है, ABC दोनों पैडल्स के पास जो है वो आपका अच्छा खासा स्पेस जो है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, प्लस फ्यूल फिलिंग लिड आप यहां से खोल सकते हैं। गाड़ी का बूट ओपन करने के लिए आपको यहां पर इस तरीके से सेपरेट बटन जो है वो दिया गया है, हुड आप यहां से खोल पाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को आप यहां से इनेबल डिसेबल कर पाएंगे, आइडल स्टॉप एंड गो, ये इसके फॉग लैंप्स वगैरह के लिए हो गया, और यहां पर आपको 4 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग मिलती है, थोड़ा सा कभी स्पेस है, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप पुश स्टार्ट बटन जो है वो आपको यहां पर मिलेगा। अब चलिए जरा कैबिन में, और कैबिन में क्या कुछ है आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज, हैजार्ड लाइट्स को करते हैं बंद, ये बीप करती रहेगी सेफ्टी के तौर पर, तो मैं पहले डोर यहां से बंद करता हूं और इग्निशन ऑन करता हूं। ये देखिए, जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ ऐसी एनिमेशंस हैं ओवरऑल जो आपको यहाँ सामने देखने के लिए मिलती हैं, काफी ज्यादा क्लासी और बहुत ही अच्छा फील आपको यहाँ पर डेफिनेटली देती हैं। आज की डेट में भी मारुति ने अपने इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए जो ये आपको आउटडेटेड लगे, बल्कि ये मेरे को आज वाली गाड़ियों से थोड़ा ज्यादा क्लासी और प्रीमियम टाइप का फील हो रहा है। थोड़े बहुत क्रोम के इंसर्ट, जिस तरीके की लाइटनिंग है, जिस तरीके की क्वालिटी है, वो ज्यादा अच्छी फील होती है। एनालॉग बेस आपके पास यहाँ पर टैकोमीटर, उधर स्पीडोमीटर, इधर कूलेंट टेम्परेचर, उधर की गेज है, वही मारुति स्टाइल टॉगल्स आपके पास हैं जहां से आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, गाड़ी आपकी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितना रेंज और कवर करेगी, आइडल स्टॉप एंड आपका वो सब टाइम, कितना आपने फ्यूल सेव करा, मोशन फ्रंट, पावर टॉक डिजिटली आ जाएगा, एक्सेलरेशन ब्रेक का स्टेटस, अब स्मार्ट हाइब्रिड आता है तो इंजन मोटर बैटरी का जो स्टेटस है वो आपका आएगा, नीचे गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, ऊपर टाइम टेम्परेचर, वो सारी बेसिक इन्फोज है। अब यहां स्टीयरिंग व्हील की अगर आप बात करेंगे तो 3 स्पोक का आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न टच नहीं है इसमें, अगर आप आज के
हिसाब से देखें, अगर आप इधर चेकआउट करेंगे तो मल्टीमीडिया कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल्स मारुति शुरू से ही ऐसे देता आ रहा है लगभग। तो यहाँ आप वॉइस कमांड, फोन उठाना है काटना है वो सब चीजें आप कर सकते हैं। और क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है तो उसका सेटअप यहाँ पर है। स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप आपको मिलता है जो कि एक अच्छी चीज है। एयरबैग दो ही आते हैं तो यहाँ छह एयरबैग वाला जो है वो चीज मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। ड्राइवर साइड में एक एयरबैग आपको यहाँ पर मिलेगा और एक जो है वो आपको को ड्राइवर साइड में एयरबैग देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट्स यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो हैजार्ड के लिए सिस्टम यहाँ पर आपको इस तरीके से बटन दिया गया है। सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यहाँ पर लाइट्स ब्लिंक होती है। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो इस तरीके से सराउंडिंग्स दी गई है। ये फिनिश बहुत अच्छी लगती है। पैनल्स जो है वो बहुत अच्छे से बिठाए गए हैं तो फिनिशिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। 7 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो आज की डेट में आपको ऑल्टो वगैरह में मिलता है वो आज की डेट में आपको मारुति सियाज में दे रहा है, उसको भी अपडेट नहीं किया। लेकिन आप इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई लैग वैग नहीं है, लेकिन बहुत कुछ खास फीचर भी नहीं आते हैं। यहां आपको मिलता है क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। सिंगल जोन आता है, कोई डुअल जोन नहीं आता, लेकिन सिंगल जोन है, अच्छी चीज है कि ऑटोमेटिक है। अब यहां पर आपको 4 स्पीड AT जो है उसका यहां पर इस तरीके से आपको नॉब दिखेगा। यहां कुछ आपको इन्फोज मिला है वो देखने के लिए मिलेंगी। अब यह फ्लैप आप देख रहे हैं, इस फ्लैप को यहां से अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहां पर थोड़ा एक्सेस मिल जाता है। एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, इधर USB A और एक ऑक्स के लिए पोर्ट जो है वो आपको मिलता है। सी टाइप पोर्ट्स नहीं आते, बढ़िया। फोन वोन आप यहां पर रख सकते हैं और ये जो दो हैं आप यहां पर कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, नहीं यूज कर रहे हैं या अगर कुछ कर रहे हैं आपको हाइड करना है तो इस तरीके से आप इस फ्लैप को जो है वो यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज लगी और देखो कितना नीट लग रहा है। मतलब अगर यहाँ पर आपने कुछ रखा है, कुछ सामान आपका फैला हुआ है, क्वाइंस हैं, टिकट्स हैं, कुछ भी है, आप इसे क्लोज कर दो, एकदम नीट लगेगा। मतलब कहीं से लगेगा ही नहीं कि हॉचपॉच है अंदर कैबिन में, तो वो बहुत सही चीज है। पार्किंग ब्रेक थोड़ा सा सिल्वर इस तरीके से, यहाँ पर क्रोम जो है उसका इस्तेमाल किया गया। छोटा सा कभी स्पेस आपके पास है, आर्मरेस्ट आता है, स्लाइड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ जो स्टोरेज है वो भी बिल्कुल ना के बराबर है, आपका वॉलेट वगैरह ही शायद आ पाएगा, बाकी कुछ ज्यादा सामान तो फिलहाल नहीं आएगा। ऑटो डिमिंग IRVM आपके पास आता है जो कि एक अच्छी चीज है। यहाँ चेकआउट करेंगे तो इस तरीके से सनग्लास होल्डर आता है, थोड़ा पुराने टाइप का ही लग रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा रबराइज या फिर कुशनी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। लाइट्स हाइलोजन में आने वाली है तो वो थोड़ा सा मतलब इसकी ब्राइटनेस जो है वो ओके है, मतलब बहुत अच्छी ब्राइटनेस तो आप नहीं कहेंगे लेकिन काफी ठीक है। यहाँ वाइजर की क्वालिटी जो है वो आपको ठीक फील होती है, प्लस वैनिटी मिरर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। एक्सटेंड तो डेफिनेटली ये नहीं होंगे, कुछ इतना पोर्शन है जो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, प्लस सीट बेल्ट की जो हाइट है आप उसे भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं जो कि एक अगेन आपके लिए प्लस पॉइंट है। ड्राइवर साइड में आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो एक टिकट होल्डर आपको मिलेगा, इधर कोई वैनिटी मिरर जो है वो आपको ऑफर नहीं किया गया। और यहां से अगर आप देखें गाड़ी किस तरीके की विजिबिलिटी, जैसी सिटिंग पोजीशन मेरे को यहां पर मिल रही है उस हिसाब से आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल और स्पेशियस गाड़ी ये फील होती है, उसमें कोई दोराई नहीं है। और जगह वाकई यार गाड़ी में काफी जगह फील होती है तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा मेजर इशू आपको यहाँ पर फेस नहीं होगा। और अननेसेसरी कहीं भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो अननेसेसरी मेरा कहीं भी नी या कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पर आसपास में पैनल के साथ ब्रश हो रही हो, तो वो भी अपने आप में काफी सही चीज है। चलिए अब एक बार जरा हम चलते हैं इसकी गाड़ी की सेकंड रो में, और सेकंड रो में एक्चुअल में आपको यहां से हम इंजन ऑफ कर देते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखो यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे ना तो ये आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे और ये बहुत ज्यादा ओल्ड टाइप के फील होते हैं। मतलब कुछ इसमें चेंज नहीं किया गया, छोटी मोटी चीजें मारुति कर सकता था लेकिन उन्होंने शायद जरूरी नहीं समझा क्योंकि गाड़ी का कोई इतना ज्यादा सेल्स फिगर है नहीं। और यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के मिल जाते हैं। स्टैक्स मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि थोड़े ओल्ड फैशन टाइप के फील होते हैं। अब आप एक बार आइए जरा मेरे साथ इस गाड़ी की सेकंड रो में, यहां आपको पता चलेगा कि गाड़ी में जगह कितनी है। सबसे पहली चीज तो आप यहां पर देखिए, सीट्स वगैरह फोल्ड वोल्ड नहीं होती है, दो हेडरेस्ट आपके पास आते हैं, दोनों आपको जो है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बीच में नहीं दिया गया। और यहां आपको आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें प्रॉपर कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। ये पीछे चेकआउट करो, इस तरीके से आपको जो इवेंट्स में यहाँ पर जो है ब्लाइंड यानी शेड जो है वो यहाँ पर ऑफर किया गया जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। प्लस जब आप यहाँ पर बैठते हैं एक बार, अब यहाँ पर देखो, अभी ये मैंने बहुत ज्यादा रिक्लाइन कर रखा था ताकि एक अच्छे एंगल से मैं उसे शूट कर पाऊं, उसके बावजूद भी आपके पास यहाँ पर देखो कितना स्पेस है, मोर देन इनफ। अब ये एक एंगल उस एंगल पर है लगभग जिस एंगल पर कोई भी पैसेंजर अगर बैठेगा या ड्राइवर बैठेगा तो वो गाड़ी चलाएगा। अब उस हिसाब से आप देखो जरा कितनी जगह आपके पास है यहाँ पर, नी रूम जिसकी कोई कमी नहीं है, लेग रूम जिसकी कोई कमी नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट ओके आप कैसे कहेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन बुरा किसी एंगल से नहीं है। और आपको बहुत अच्छी सीट्स, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो यहाँ पर बैठने के हिसाब से मिल जाती है। सेडान जानी जाती है कंफर्ट के लिए, तो वो चीज सियाज के साथ है। यहाँ पर एसी वेंट्स, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, पीछे कोई USB A या C टाइप के पोर्ट्स नहीं दिए गए। यही चीज मैं आपको बोल रहा था, मैं बार बार उसी चीज को रिपीट क्यों कर रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम, कि थोड़ा बहुत मतलब ऐसी चीजें हैं जो आप मिस करेंगे कि उन्हें अपडेट नहीं किया गया, लेकिन
फिर भी आपको प्राइस के हिसाब से आपको चीजें वर्थ लगेंगी। यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है वो प्रॉपर एक फोन वगैरह रखने के लिए होल्डर मिल जाता है, रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं कोटोक के साथ, और यहाँ भी आपको कैबल लाइट जो है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलती है हैलोजन बेस्ड। चलिए अब आइए जरा आप एक बार कैबिन से बाहर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मिल जाते हैं, पीछे भी आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है वो सॉफ्ट टच दिया गया है, पावर विंडो कंट्रोल और क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर्स। पीछे सिर्फ दो स्पीकर हैं, आगे दरवाजों पर दो स्पीकर और ऊपर दो ट्विटर्स, यानी चार स्पीकर दो ट्विटर का सेटअप आपको मिलता है। अब जरा हम बात करते हैं इस इंजन के बारे में, जो कि है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर इंजन, पेट्रोल इंजन, बहुत शानदार, बहुत रिफाइंड और बहुत ही कमाल का इंजन है। कोई फालतू मेंटेनेंस नहीं, कोई फालतू का सरदर्द नहीं, कोई स्पेयर पार्ट आपको कहीं से भी लेना है मिल जाएगा, तो वो सारे लोचे यहां पर आपको कुछ फेस नहीं करने पड़ते। इजी टू मेंटेन कार, बहुत इजी टू मेंटेन कार है। और सबसे बढ़िया चीज, यहां प्रॉपर कवरिंग, हुड में प्रॉपर यहां पर आपको इंसुलेशन, नीचे अंडर बॉडी में फिलहाल कवरिंग वगैरह यहां पर नहीं दी गई, हाफ बॉडी जो है वो इसकी कवर करी गई है, पूरी नहीं की, पूरी कर देते तो शायद मेरे सबसे ज्यादा बेटर लुक जो है वो ओवरऑल इंजन बे का लगता। नीट फिनिश तो देखो आपको अभी भी यहां पर मिल जाती है, जैसे कि मारुति की गाड़ियों से आप उम्मीद करते हैं वो सारी चीजें यहां पर आपको मिलती है। बात आती है पावर फिगर्स की, यह आपके लिए लगभग जनरेट करता है 104 PS की पावर, वही लगभग 103 BHP के आसपास जाएगी, और लगभग 138 या 140 138-140 NM तक का टॉर्क जो है वो ये आपके लिए जनरेट करता है। फ्यूल इकोनॉमी की हमने ऑलरेडी बात करी कि कंपनी अप्रोक्सीमेटली क्लेम करती है इसके साथ 21 के आसपास, 20.9 या 20.90 कुछ ऐसा है, आप 20 ही मान लीजिए, फिर भी आपको काफी अच्छी और काफी बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सियाज डिलीवर करती है। मारुति जानी इसी चीज के लिए जाती है यार, फ्यूल इकोनॉमी के मामले में आपको पता है कि इन गाड़ियों का कोई तोड़ नहीं है। अब यहां से आप एक बार चेकआउट करिए सियाज की ओवरऑल प्रोफाइल, फ्रंट फेशिया थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है, लेकिन जो फीचर्स आपको मिलते हैं, जिस तरीके का कैबिन है, जैसा स्पेस है, जो इंजन आपको यहां पर मिल रहा है, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो गाड़ी आपको वर्थ फील होने लगती है। लेकिन बात वही आती है, बंदा सोचता है कि यार मैं इतने पैसे डालकर कोई ऐसी चीज लूं जिसकी आगे डिमांड हो, क्या पता कब बंद कर दें। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ब्रांड का भी देखा जाए तो कोई दोष आप नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि सेडान सेगमेंट जो है वो धीरे धीरे दबता चला गया और एसयूवी ने अपनी एक ऐसी मार्केट बना ली कि जिसको गाड़ी चाहिए उसे एसयूवी चाहिए, चाहे वो 5 लाख की ले, तो वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन जो सेडान के लवर्स हैं भाई, जिसको होंडा सिटी चाहिए आपको मालूम है वो होंडा सिटी का फैन है, तो उसे होंडा सिटी ही चाहिए, जिसे वरना चाहिए वरना ही चाहिए। अब आज के टाइम के हिसाब से अगर आप इन इस गाड़ी का कंपैरिजन फीचर्स की तुलना में करोगे तो देखो कोई तोड़ नहीं है। आज की गाड़ियां बहुत हाईटेक हो गई हैं, बहुत फीचर्स आ गए हैं, एडास है, दुनिया भर की और बहुत चीजें आ गई हैं, लेकिन एक ऐसी गाड़ी जो एवरग्रीन है, कहीं से डल फील नहीं होती और बहुत ही सही तरीके से रिस्पॉन्स करती है, इंजन बहुत शानदार है, बहुत इजी टू मेंटेन है, रिलायबल है, कंफर्टेबल है, चलाने में आपको मजा आएगा, गाड़ी के डायनेमिक्स अच्छे हैं, गाड़ी के डायमेंशन अच्छे हैं, तो वो सारी चीजें आप सियाज के साथ देखेंगे तो आपको मिल जाती हैं। लगभग 9.5 लाख रुपए आप एक रफ आइडिया लगा लीजिए कि इस गाड़ी का बेस मॉडल आता है। ये टॉप था ऑटोमेटिक, अगर आप मैनुअल के लिए जाएंगे तो 11-20, ऑटोमेटिक के लिए जाएंगे तो लगभग 12-30। अभी जो कंपनी की ओर से आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, ऑफर्स मिलते हैं, या अगर आप थोड़ा बहुत डील करना जानते हैं और डीलरशिप के एंड से अगर आप डिस्काउंट निकाल लें, ऐसी गाड़ियों पर आपको मालूम है कि डिस्काउंट इजीली मिल भी जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हाई सेल्स फिगर नहीं है। कैसी लगी गाड़ी आपको मुझे एक बार जरूर बताना। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि आपको इस गाड़ी को देखकर लगेगा कि यार इतने कम पैसों में पहले इतने फीचर आ जाते थे, आज की डेट में पैसे बहुत हैं लेकिन फीचर कम हो गए, काम की चीजें कम हो गई हैं, हाई हुक्का ज्यादा हो गया भाई, कनेक्टेड DRLs, कनेक्टेड टेल लैंप्स, मतलब शोशेबाजी पूरी चाहिए, फीचर्स 2-4 कम भी मिलेंगे तो चलेगा, वो हिसाब हो, एयरबैग 2 ही आते हैं, ABS, EBD, वो बेसिक जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लंबा करने का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, वैसे मत करना क्योंकि बहुत मारेंगे आपको, बोलेंगे कौन सी गाड़ी की वीडियो भेज रहा है भाई, इसे कौन ले रहा है आज की डेट में। लेकिन चलिए, एक वीडियो आपके लिए फन के लिए बनाया, ऐसे ही बनाया कि आपको दिखाया जाए कि यार पुरानी चीजें कैसी हैं, गाड़ी कैसी है, थोड़ा मतलब पता होना चाहिए यार, जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज हम ट्रेंड के हिसाब से करें, अगली वीडियो ट्रेंड के हिसाब से कर लेंगे। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल भैया जी गाड़ी को, धन्यवाद।